पक्ष विपक्ष में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनावों के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्य की पूर्व समाजवादी पार्टी की जमकर आलोचना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि सपा के शासनकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद खराब थी, लेकिन योगी सरकार में सुख शांति है, जनता खुशहाल है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश सरकार के दौरान यूपी में औसतन 3 दिन में एक दंगा होता था, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान होता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। आर्थिक मोर्चे पर भी यूपी ने एक लंबी छलांग लगाई है। पहले देश में यूपी 14वें स्थान पर था, आज वो दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि आने वाले समय में यूपी देश की नंबर एक इकोनॉमी बन सकता है और इस सामने आएगा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चौक फ्लाईओवर समेत 180 विकास कार्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास संपन्न हुआ, ये बदलते हुए प्रदेश की तस्वीर है। बीजेपी सरकार से पहले हर क्षेत्र में प्रदेश पिछड़ता गया। निवेश की संभावनाओं की बात होती थी तो यूपी में प्रति व्यक्ति आय जितनी 1947 में थी उतनी ही रही, लेकिन अब राज्य प्रगति की ओर है। उधर एक कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाढ़ में फंसे लोग जान माल बचाने की गुहार लगा रही हैं और अब बीजेपी पार्टी आयोजनों और उत्सव में मशगूल है। अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में बरवलिया बसावनपुर रिंग बांध टूट चुका है। गोरखपुर से वाराणसी और सनोली जाने वाले जो रास्ते हैं पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यहां तक कि आमी नदी का पानी भी इंडियन ऑयल के प्लांट में घुस चुका है, लेकिन प्रदेश में राहत कार्य नहीं चल रहा है। अखिलेश के साथ ही अखिलेश ने आरोप लगाया कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने की कोई व्यवस्था सुचारू नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना काल में बीजेपी नेताओं ने जनता की कोई सुध नहीं ली, उसी तरह हालात अब भी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के लोग अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी सरकार संवेदन शून्य हो चुकी है और वह जनता को चुनावी झांसे में फंसाने की योजना बना रही है, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि इस बार वोट सपा को ही देंगे। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा जी हैं जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी के। सर, बहुत स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि स्पोक पर्सन है सपा के, आपका भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर विजय खैरा जी। सर, विधानसभा चुनाव जो जो नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी कार्यक्रम में तो व्यस्त है ही, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सीधे सीधे आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वहां पर जानमाल का नुकसान हो रहा है, वहां पर दिक्कतें लोगों को हो रही है, लेकिन बीजेपी तो कार्यक्रम करने में व्यस्त है, चुनाव की तैयारी करने में व्यस्त है। समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा बचा नहीं, योगी जी ने कुछ छोड़ा तो है नहीं, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे कोरोना में रात दिन काम करने की बात हो, बीमारी में भी बाहर आके वो जैसे ठीक हुए सब जगह क्षेत्र में जाना चालू कर दिया था, तुरंत एक एक अस्पताल विजिट किया उन्होंने, कोई अस्पताल जिला अस्पतालों तक कुछ छोड़ा नहीं जहाँ वो न पहुंचे हो, जहाँ से भी शिकायत आई या जहाँ भी ढिलाई निकली वहाँ मुख्यमंत्री जी खुद गए और बीमारी हालातों में भी गए। इन्होंने ये सब कुछ किया नहीं जनता के लिए उस समय। अभी ये बाढ़ की बात कर रहे थे कि बाढ़ में कुछ नहीं किया, बाढ़ में तो पहली बार इतिहास में योगी जी के शासन में ही हुआ उत्तर प्रदेश में
की हेलीकॉप्टर से गिरे हुए लोगों को उठाया गया। हमको तो बेतवा नदी का पता है, 3 साल पहले 3 लोग फंस गए थे, तो तुरंत उन्होंने केंद्र से मदद मंगाई थी और हेलीकॉप्टर से वो लोग झांसी में बेतवा नदी के ऊपर उठाए गए थे। तो ये मैं हूँ क्या लाइन पर? जी बिल्कुल आप है सर, आपकी आवाज मिल पा रही है, रखिए अपनी बात। जी जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बाढ़ में जितने काम किया, अभी भी वो जगह जगह विजिट कर रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जिला अधिकारी 1 मिनट बैठ नहीं पाते हैं, 24 घंटे लगे हुए रात और दिन, और उसके बावजूद भी इनको तो कुछ न कुछ कहना है। कानून व्यवस्था में भी यही हाल हुआ, मतलब 3 बातें ये कर रहे हैं रोज रोज, इसमें कुछ बोले कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अभी कह रहे बाढ़ में कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में ने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना में सबसे अच्छा काम किया है, पूरी दुनिया में लोग उसको प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है विजय जी, बने रहिए हमारे साथ। विजय खैरा साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर अभिषेक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, सवाल इस बात को लेकर है, बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि हमने कोरोना काल में भी बेहतर काम किया, और अभी भी जब बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की सराहना करनी चाहिए। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार कार्य नहीं कर रही है, बाढ़ प्रभावितों की सुध नहीं ले रही है? नेहा जी देखे ना, कहते हैं ना सांस को आंच नहीं, बहुत सीधी सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर सिर्फ समाजवादी पार्टी ये कह रही हो कि भाजपा सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं में कुप्रबंधन है तो वो अतिशोक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको कहा कि कोरोना की तीसरी वेव आएगी और चली जाएगी और सरकार गाइडलाइंस नहीं बना पाएगी, तो इन पे बड़ी तल्ख टिप्पणियां कर रही है सरकार के ऊपर। दूसरी बात, योगी सरकार तेल कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा दस्तावेज है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे ही दंगे का केस था, उन्होंने उसे वापस ले लिया। जिन लोगों के हाथ मुजफ्फरनगर दंगों में खून से सने हुए थे उनके मुकदमे वापस ले लिए, जिसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी ने तल्ख टिप्पणी करी कि आप ऐसे मुकदमे वापस नहीं ले सकते। तो आप ये बताएं कि ये इनकी सरकार बनते ही इनके सांसद SSP सहारनपुर के घर में घुस जाते हैं और उसको हड़काते हैं और सारी चीजें करते हैं। बीजेपी तो लगातार ये आरोप लगा रही है कि पहले तो हालात उत्तर प्रदेश के बहुत खराब थे, हर 3 दिन में एक दंगा होता था, अब तो उत्तर प्रदेश में कोई दंगे की खबरें ही नहीं निकल के सामने आती। पूरी बात लिहा जी, उस चीज को कम्प्लीट तो कर दे, मैंने वही बोला ना कि जब इनके सांसद जो है वहाँ घुस जाते हैं, SSP साहब को धमकाते हैं। दूसरी बात, बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हो जाती है, हत्या के बाद जो आरोपी होते हैं उनके ऊपर सरकार पैरवी करती है, और जब वो बाहर निकलते हैं तो भाजपा के नेता RSS के नेता उसका स्वागत करते हैं। तो जो लोग सरकार में ही घुस के, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाइए, इनके 40% से, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ADA कमेटी ने, कि इनके 40% से ज्यादा सांसद और विधायक के ऊपर 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। तो जो दंगा करते थे जब वो सरकार में, तो दंगा कहां से होगा? जो जनता को परेशान करते थे वो कहां, वो तो अब तो सरकार में ही है जी। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो आप कह तो रहा हूं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं इनके ऊपर, 40% विधायक और सांसदों के ऊपर। जी विजय खेरा साहब, किस तरह से इसे देखते हैं, जवाब दीजिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो दंगा करते थे या करवाते थे वो तो अब सत्ता में है इसलिए दंगे नहीं हो रहे, आप कैसे ये दम भर रहे हैं कि हमने तो जी कानून व्यवस्था को बेहतर कर दिया? अभी इन्होंने पहले तो ये बोला है मुजफ्फरनगर में जिन पर मुकदमे उठाए जा रहे हैं, अरे कुछ शर्म करो भैया, मेरे फूलन देवी के मुकदमे आपने उठा लिए थे, MP भी बना दिया था, सिर्फ आपको निजात के वोट की खातिर, राजनीति की खातिर आपने क्या हरकत की थी कभी याद करते हो? इस चीज को जरा सोचिए, आपने मुकदमा वापस किए, शुरुआत आपने की थी सारी शुरुआत, एक बात तो ये समझिए। दूसरी बात, दंगे की जहां बात कर रहे हैं आप, इसमें कोई शक है क्या कि मुलायम सिंह जी जब भी सत्ता में रहते हैं दंगे होते हैं, हर बार हम करा देते हैं दंगे, सत्ता में आप कभी एक आदमी को पकड़ पाए भारतीय जनता पार्टी के दंगे कराए हैं? चेहरा आप ऐसे नकाबपोश तो डाल के थोड़ी ढक पाओगे, बुरका डाल के तो आपका सामना है। मुलायम सिंह जब थे तो बदायूं में पहला दंगा हुआ, फिर कानपुर में दंगा हुआ, दोबारा जब उप मुख्यमंत्री बने तो लखनऊ में दंगा हुआ, फिर कानपुर में दंगा हुआ, फिर गोरखपुर में दंगा हुआ, क्या बात कर रहे हैं आप?
और किसी के शासन में होते नहीं है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो तुरंत मुजफ्फरनगर में शुरू हो गए। और क्यों शुरू हो गए? क्योंकि आजम खान जी उस जिले के प्रभारी थे और जिन्होंने किया था वो उनके समाज के लोग थे। उन्हें बचाने के लिए रात को 12 बजे एसपी और कलेक्टर को ट्रांसफर कर दिया, मुकदमे दर्ज नहीं होने दिए। ये हालात थे उसी लिए तो आपको मार। लेकिन डॉक्टर विजय खैरा, सवाल इस बात को लेकर है सर, अगर राजनाथ सिंह ने ये कहा कि सपा के शासन काल में प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब थी लेकिन योगी सरकार में सुख शांति है और जनता खुशहाल है, इसका क्या पैरामीटर है सर, ये कैसे हम मान लें? आपकी बीच से थोड़ी सी आवाज कटी है, फिर से बोल दीजिए न्याय जी। जी आप, राजनाथ सिंह ने जिस तरह से ये कहा है कि सपा के शासन काल में प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब थी लेकिन योगी सरकार में सुख शांति है, जनता खुशहाल है, सर जनता खुशहाल है इसका पैरामीटर क्या है, कैसे हम मान ले? इसका एक तो हम लोग जो भी चुने लोग होते हैं उन पर सब पर फीडबैक होता है, होगा इन पर भी, पर ये छुपाएंगे, मीडिया को भी फीडबैक अच्छी तरह से रहता है। दूसरी बात क्या, आंकड़े अपने आप में बोलते हैं, बताते हैं कि आपके समय में क्या हुआ था, कितनी चौथियां होती थी, कितने बच्चे उठते थे, कितनों का फिर फैसला होता था बैठ के, कौन नहीं जानता है ये। हफ्ता बढ़ता था, हफ्ता वसूला जाता था, चौथ वसूली जाती थी, कौन नहीं, ये तो मतलब आम बात थी। सिवा गुंडे पालने के, सिवा गुंडों को आपने नेता बनाने को करा क्या है? एक समाज, एक जाति और उनमें भी छांट छांट के अपराधियों को बढ़ाया आगे, अपराधियों को बिल्कुल अंदर कर दिया। आज शांति से 1 बजे रात को चली जाए महिला, कहीं बता दीजिए क्या हो रहा है। वो आप इक्का दुक्का केस जो होते हैं सर, इक्का दुक्का तो मत कहिए सर, अभी भी उत्तर प्रदेश में कम केसेस सामने नहीं आ रहे हैं, इस बात को आप इनकार इससे नहीं कर सकते कि अभी भी केसेस बहुत सामने आ रहे हैं। आप पूरी तरह से कानून व्यवस्था को कंट्रोल कर चुके हैं, इस बात का अगर हम दम भरते हैं तो आंकड़े इसकी गवाही देते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह दम हम क्या दुनिया में कोई भी देश का, कोई भी प्रदेश का, कोई मोहल्ला, कोई जिला कुछ आदतन जो अपराधी होते हैं करते हैं या जिनको मौका मिलता है, मौका खाली उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, वो मौका जिनको मिलता है उसको टोटल अगर अपराधी रोकने में सफल हो जाए तो कभी ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी ना अदालतों की जरूरत पड़ेगी। तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की बात कर रहे हैं, उनको रोकने में हम सफल हुए हैं। हमारा जब आप रिकॉर्ड देखेंगे, अभी भी जब नेप की बात कर रहे थे तो दिल्ली टॉप पर था, फिर राजस्थान था, हमने पीछे आपको सारे रिकॉर्ड सुनाए भी थे एक बार, उत्तर प्रदेश तो कभी पीछे था हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, अभिषेक जी का कहना है, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और सवाल मेरा ये है कि इनका ये कहना है कि आपराधिक छवि के लोगों को हमने ये जुर्म करने से रोकने की कोशिश की और उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए। नेहा जी, मैं इसका सीधा सा जवाब देना चाहते हैं कि देखिए बहुत सीधी सी बात है, 2014 से केंद्र में इनकी सरकार है, 2017 से उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है। एनसीआरबी का डाटा कहता है 2020 का, 2020 का एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आज अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन है रिकॉर्डिंग के बारे में, एनसीआरबी डाटा कह रहा है, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। महिलाओं के ऊपर जो अपराध है वो 68 गुना बढ़ गए। मैं अभी परसों कल की घटना बता रहा हूँ, गाजीपुर की घटना, एक बेटी, राजभर की बेटी जो पुलिस की ट्रेनिंग की तैयारी कर रही थी, 3 दिन से वो लापता थी। हमारी पार्टी के लोगों ने, समाज के लोगों ने कंप्लेन करी, सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई, 3 दिन बाद कल उसकी लाश मिली और उसके ऊपर अभी तक सुनवाई नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। गोरखपुर की घटना बताता हूँ, जहाँ एक बेटी, उसके बाप को मारा जा रहा था, वो वीडियो बन रहा था। अगर विजय जी की नजर में ये सुशासन है तो इन्हीं को ये सुशासन मुबारक हो। इनकी बहन बेटियां आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। विजय जी जवाब दीजिए जल्दी से, सुरक्षित विजय जी, सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं आप लोगों पर, जवाब दीजिए जल्दी से। सवाल नहीं, मैंने आपसे कहा था ये जब घटना होती है उसको ये तुरंत तूल देंगे, ये एक घटना कहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में भी बाधा डालेंगे, पुलिस में भी बाधा डालेंगे, ये पहली बार नहीं है, हर केस में प्रमाणित हो चुका है। सापा का काम क्या, ये परंपरा आप चाहते हो, ये परंपरा है कि ये पहली बार घटना नहीं, आप इससे बच जाओगे? सरकार में हो आप, उत्तर प्रदेश में हो, केंद्र में, दोनों जगह सरकार में हो, आपसे जवाबदारी है, और विपक्ष होने के नाते हम लोग आपसे सवाल पूछेंगे, धंधा से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। सुना क्या बोला था, अब कोई भाजपा की वैक्सीन लगाने पहुंच गए जिसको कह रहे थे नपुंसक बना देगी ये लोगों को, इस तरह के प्रचार करके थोड़ी होता है, जनता बाद में तो पकड़ ही लेती है ना संघ को गले से। ठीक है, बिल्कुल, जनता जनता से सब जानती है कौन दावे और वायदे कर रहा है और किसके दावे और वायदों में दम है,
किसको सत्ता पर बैठाना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बहुत नजदीक। सवाल ये भी है कि आर्थिक मोर्चे पर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दावा है कि आर्थिक मोर्चे पर यूपी ने एक लंबी छलांग लगाई है, पहले देश में उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर था लेकिन आज वो दूसरे नंबर पर है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पर होगा, इकोनॉमी बनकर सामने आएगा। कैसे देखते हैं इसे आप, क्या ये बड़ी उपलब्धि है सरकार की? नेहा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद होगा, उत्तर प्रदेश जिस नंबर वन पे आएगा, समाजवादी पार्टी गुलदस्ता लेके माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेगी। ये जुमलों की सरकार है, बार बार हम कहते हैं, इन्होंने ए पांच आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट बना दो, इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट करी, मैं पांच ऑफिसेस के नाम जानना चाहता हूं, इन्होंने लखनऊ में मीट की, वाराणसी में मीट करी, करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के खर्च हुए और उसमें मुझे पांच फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप बता दे जो इन लोगों ने की। आज महंगाई चरम सीमा पे है, जो महंगाई 2014 में डायन होती थी आज डीजल 90 रुपए से ऊपर है, सरसों का तेल 180 रुपए से ऊपर है, किसानों की बात ये 9 महीने से नहीं सुन रहे हैं, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है और उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं, और इनके माननीय मंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी सदन में कहते हैं कि कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में 59% रोजगार चले गए, तो या तो सरकार झूठ बोल रही है या तो इनके प्रवक्ता लोग झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। ठीक है, खैरा जी, खैरा जी जवाब दीजिए इनकी बातों का। महंगाई की बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि कौन से मोर्चे पर दूसरे नंबर पर है ये भी बता दीजिए। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बाकी अगर हम चीजें देखें बहुत ज्यादा सेक्टर में उछाल नहीं आया, किस हिसाब से अगर सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश तो सर कैसे माने? दूसरे नंबर पर इसलिए है कि दूसरे प्रदेशों में इससे अधिक महंगाई है, उन्होंने और ज्यादा हम खर्चे उनके ज्यादा है, यहाँ खर्चे कम है, वहाँ पर आमदनी कम है, लोग इंडस्ट्रीज कम लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा काम मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा उद्योगपतियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। स्थापना के टाइम में जो बिल्कुल बंद हो गया था, एक उद्योगपति आने के लिए तैयार नहीं था उत्तर प्रदेश में एक भी, आज वो हजारों में आ रहे, करोड़ रुपया लगा चुके हैं। अगर कोई अभी ये कोविड नहीं आया होता तो आपने देखा समिट में कितना सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था और पैसा लगाने के लिए बोला था। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, बोला था या नहीं बोला था वो एक अलग चीज है, कितना हमने लगाया ये एक अलग चीज है। अगर हम कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है तो सर उसका क्या पैमाना है, ये तो विपक्ष पूछेगा ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसके आंकड़े ये हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया, मान लो पेट्रोल महंगा हो गया, यही आप इससे अगर आप महंगाई का खाली आंकड़ा लगाते हैं सर, दाल सब्जी रोजमर्रा की चीजें सभी महंगी हो गई, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो इसमें भी मैं बता देता हूँ कि कांग्रेस के 5 वर्ष के शासन में 200% कीमत बढ़ी थी सिलेंडर की, और जबकि मोदी जी के शासन में 5 साल में 848-900 तक ही गया है। तो ये इनको पता चुकी, पापा वालों को तो पता है ही नहीं कुछ उस चीज का केंद्र के बारे में, तो खाली डॉक्टर विजय खेरा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का जवाब देंगे। नहीं, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी सर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर कि अगर पिछले सरकारों ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे सर, ये कौन सा जवाब हुआ? मेरा ये जवाब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इनको मालूम नहीं है, आंकड़ों पे जाते नहीं है, एक बोले महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, इनको पता नहीं 4.5 लाख लोगों को जॉब दे दी हमने, तो 1.5 लाख लोगों को भी नहीं दे पाए थे, और जिन 100-200 को दी थी उसमें भी आजम खान के ऊपर केस है, आज भीतर है वो, जिस तरह तुम नौकरी दे रहे थे पहचान के लोगों को, ये सब बंद हो गया है। आप फिर कहोगे कि 4 लाख लोगों की नौकरी कहाँ है, कि लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, जल्दी से जवाब दीजिए, इनका कहना है कि आप लोगों के शासन काल में गुंडा राज तो था ही, साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी था, बेरोजगारी भी थी, ऐसा भी कह रहे हैं। मैं इस चीज का नेहा जी जवाब दे रहा हूँ, मुझे 30 सेकंड दीजिए। जी जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार का नाम सुशासन रख दिया। आज भ्रष्टाचार ऐसे है कि जैसे बाढ़ प्रबंधन और गंगा से सेट और सारी चीजें साफ करने, नगर निगम से वो हटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो गए, और इनकी टीम 9 एक आती है, रोज प्रेस नोट निकलता था कि भैया हम स्वच्छता और सैनिटाइजेशन पे पैसे खर्च कर रहे हैं, और वो हवाई किले थे।
आज तक उत्तर प्रदेश में से किसी ने नहीं देखा, जनता जनार्दन ने किसी ने नहीं देखा। तो जब नहीं देखा तो करोड़ों रुपए कहाँ गए? सर कोरोना काल में, कोरोना काल में चाहे टीम 9 बनाई हो चाहे टीम 11 बनाई हो, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जनसंख्या है और जितना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है उस हिसाब से कोरोना के मामले कम हुए हैं, इस बात को तो आप मानेंगे? आज केरल का हाल देख लीजिए सर। नेहा जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं बहुत सीधी सी बात पे आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल मानूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही केंद्र में सरकार बनवाता है, 80 सांसद भेजता है जिसमें से 64 भारतीय जनता पार्टी को भेज रहा था। उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान रखना सबकी जिम्मेदारी है, केंद्र में सत्ता हो उत्तर प्रदेश की सत्ता हो। सर खामियां कमियां बताइए ना, सर खामियां कमियां बताइए, उनको कैसे दूर किया जाए ये बताइए ना। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, कैसे है, क्या है, इन सब बातों का वक्त नहीं है। नेहा जी मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, लेकिन हम जो भी बताएंगे कमियां, हम जो भी कहेंगे ना सुझाव देंगे, उसका समाधान भी बताइए सर कि विपक्ष ऐसा चाहता है। मैं बता रहा हूँ विपक्ष क्या चाहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। विपक्ष चाहता है जैसे इस समय प्रदेश में डेंगू फैला हुआ है, विपक्ष चाहता है आप बेड का मैनेजमेंट करिए, विपक्ष चाहता है आप सैनिटाइजेशन का काम बढ़ाइए, विपक्ष चाहता है आप दवाइयां मुहैया कराइए, विपक्ष चाहता है कोरोना की तीसरी वेव आने वाली है स्कूल कॉलेज बंद करिए। क्यों आप बच्चों की जिंदगी से खेलना चाहते हो? आप क्यों नहीं प्रोटेक्शन ले रहे हो? आप कहते हो 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगा देंगे। आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा कि 1 से 12 तक का वो बंद करो। क्यों नहीं सोचते हो आप बच्चों के बारे में? क्यों नहीं प्रदेश की जनता की चिंता है? क्यों सिर्फ चुनाव के बारे में सोचते हो? क्यों आप पंचायत चुनाव कराने के मामले में शिक्षक मित्रों की मृत्यु हो जाती है और उनके आश्रितों को आज तक आपने कुछ नहीं दिया? क्यों आप ये सिर्फ चुनाव आपके लिए जरूरी है? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता जरूरी नहीं है? चुनाव तो सभी के लिए जरूरी है, ना सिर्फ आपके लिए, बीजेपी के लिए, बल्कि तमाम उत्तर प्रदेश में मौजूद तमाम पार्टियों के लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार तेज होता जा रहा है, जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि आप बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत पहुंचाने में नाकाम है, तो वहीं बीजेपी भी उनके शासनकाल की याद दिलाकर कहीं ना कहीं अपनी जो बेहतरी है उसको दिखाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।